नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले IMF पैकेज का विरोध किया है। भारत ने IMF को चेताया है कि उसके द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें, भारत और कुछ सहयोगी देशों ने वाशिंगटन में हुई वार्ता के दौरान पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज न देने की वकालत की है। भारत के अनुसार पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जिसके चलते उसे FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। FATF के कड़े प्रतिबंधों के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खस्ता हाल होने जा रही है। ऐसे में उसे किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज देना बेवकूफी भरा कदम होगा। अब ऐसा नहीं है भारत अकेला इस आर्थिक पैकेज का विरोध कर रहा है। अमेरिका ने भी कई मौकों पर पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज न देने की बात कही है। बता दें, अमेरिका को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चीन का कर्जा उतारने के लिए इस पैसे का उपयोग करेगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी मित्र है और उसने उससे कई मौकों पर भारी भरकम कर्ज भी लिया है। ऐसे में उसे वो पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकवादी दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उन्हें पालने पोसने के लिए उसे खूब सारे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसे में पाकिस्तान IMF से मिलने वाले पैसे को टेरर फंडिंग में भी प्रयोग कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान और नापाक मंसूबों को अंजाम देगा। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान को इस समय IMF के द्वारा दी गई भीख की बहुत जरूरत है। महंगाई आसमान छू रही है और गरीबी अपने चरम पर है। इस प्रकार के हालात में पाकिस्तानी हुकूमत अपनी देश को अपने बल पर नहीं चला सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी प्रभावी है ही नहीं कि वो खुद पूरे मुल्क को संभाल सके। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत कई मौकों पर IMF से विनती करने गई थी। खबरों के मुताबिक उसे आर्थिक पैकेज मिल भी जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल अगले महीने FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। उस दौरे में अगर FATF की टीम को पाकिस्तान की नीयत में शक हो गया तो उसे ब्लैकलिस्ट करने में देर नहीं लगेगी। उस परिस्थिति में IMF भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर होगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान FATF से खौफ खाता है, लेकिन वो भारत पर इल्जाम लगाता है कि भारत उसके खिलाफ मॉबिंग कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग तो करेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की फंडिंग कभी भी नहीं रोकी। पाकिस्तान ने भारत के दिए हुए हर डोजियर को पुरा दिया। जब पड़ोसी की हालत ऐसी है तो उसके खिलाफ लॉबिंग करना हर देश का दायित्व बनता है। वैसे बताते चले, पाकिस्तान को मिल रहे आर्थिक पैकेज से खुद वहाँ के लोग खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस पैकेज की वजह से ही वित्त मंत्री असद उमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर IMF पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देता है, ऐसा करके वो खुद की इज्जत को दांव पर लगा रहा है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।